સેલવાસ પોલીસ દ્વારા રોડ સેફ્ટી વીક દરમિયાન પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે ટ્રાફિક નિયમોની જનજાગૃતિ અંગે વિવિધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા હેડક્વાર્ટર ખાતે યોજાયેલા જનજાગૃતિ કાર્યક્રમમાં બાળકોએ ટ્રાફિક નિયમનના વિષય પર યોજાયેલી ડ્રોઈંગ નિબંધ અને સુવાક્યની સ્પર્ધામાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ત્રણ ક્રમાંકના વિજેતાઓને પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હરીશ્વર સ્વામીના હસ્તે ઇનામો આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. रोड सेफ्टी वीक जो एक महीने का चल रहा था, इसके अंतर्गत हमने सिलवासा डोकागड़ा स्कूल में अलग अलग स्कूल से बच्चों को बुलाया था और हमने एक कंपटीशन रखा था. ड्राइंग कंपटीशन था, ऐसे कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन. इसमें कुछ ड्राइंग कंपटीशन में सेकेंडरी सेक्शन के तीन बच्चे और हायर सेकेंडरी सेक्शन के तीन बच्चे, ऐसे कॉम्पिटिशन में तीन बच्चे और स्लोगन कॉम्पिटिशन में तीन बच्चे. तो जो ये एक से तीन नंबर में जो आए थे इनको हमने आज एसपी सर के हाथों इनको हमने प्राइज़ दिलवाया, ताकि बच्चे अगले साल भी मतलब इनको उत्साह रहे कि भाई चलो ड्राइंग का कंपटीशन है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वो हिस्सा लेके हाथों ये जो हमने रोड सेफ्टी के बारे में ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में हमने कंपटीशन रखा था, तो हमने आज बच्चों को ये प्राइज़ दिलवाया, ताकि बच्चे अपने समाज में जाके अपने दोस्तों को अपने माता पिता को रोड सेफ्टी के रूल्स के बारे में बताए और लोगों को रोड सेफ्टी नियम के बारे में फॉलो करने के लिए उनको बताया, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और हमारा जो ये मुहिम वो सार्थक हो.